फणी तूफान में बुरी तरह तबाह हुए भुवनेश्वर के मशहूर नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क को सैलानियों के लिए दोबारा खोल दिया गया है। इस पार्क में भालू, शेर, हाथी, चीता समेत तमाम जानवर घूमते नजर आ रहे हैं, जिन्हें देखने के लिए बड़ी तादाद में सैलानी भी पहुंच रहे हैं। पिछले साल अप्रैल में आए तूफान फणी में ओडिशा का एकमात्र जूलॉजिकल पार्क नंदनकानन तबाह हो गया था, लेकिन 10 महीने की कड़ी मेहनत के बाद यहां रौनक दोबारा लौट आई है। इस पार्क में शेर, भालू, चीता समेत 3000 से ज्यादा जानवर हैं, जिन्हें देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। बीते इतवार को भी यहाँ बड़ी तादाद में सैलानी पहुंचे। मैंने नंदनकानन में मंकी देखा, डियर देखा, टाइगर देखा और चिंपांजी देखा, इतना ही देखा है। इधर जो आया है संडे है, संडे हॉलीडे से हम लोग नहीं आया है, इधर हम लोग आया है छुट्टी पे, आया है घूमने पे, आया है बच्चे लोगों को देखने के लिए आया है। बहुत अच्छा लगा इधर, नंदनकानन का एटमोसफियर ज्यादा अच्छा ही है, सब कुछ अच्छा लगा हम लोगों का। हाँ, हम लोग तो सफारी में गया है और इधर तो जो हम लोग पीकॉक और टाइगर लायन ऐसे सब कुछ तो देखा है। भुवनेश्वर स्थित नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क ओडिशा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। यहाँ जंगली मुर्गी, मोर के अलावा बाघ, शेर, चीता, भालू, हाथी और मगरमच्छ देखने के लिए सैलानी खास तौर पर आते हैं। सैलानियों के लिए जंगल सफारी का भी इंतजाम है। इस चिड़ियाघर में काजिया झील भी है, जहाँ लोग बोटिंग करते हैं और पानी में रहने वाले पक्षी भी दिख जाते हैं। ओडिशा सरकार के मुताबिक तूफान फणी में इस चिड़ियाघर में करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ था। कड़ी मेहनत के बाद इसे सैलानियों के लिए दोबारा खोला गया है, लेकिन इस चिड़ियाघर को अपना ग्रीन कवर वापस पाने के लिए कम से कम 20 साल लग जाएंगे। रेनुगढ़िया की रिपोर्ट, गो न्यूज़।